दुनिया भर में फैल चुके कोरोना वायरस की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, वहीं शनिवार को बिहार के भागलपुर से नौगछिया निवासी 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध दंपत्ति अपनी पुत्री से मिलने लंदन गए थे और 18 मार्च को फ्लाइट से कोलकाता एयरपोर्ट पर आए थे। 19 मार्च को दंपत्ति अपने नवगछिया स्थित आवास पहुंचे और 22 मार्च को भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अपनी जांच कराई। चिकित्सकों ने ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए दोनों पति पत्नी को होम क्वारंटाइन में भेज दिया, जिसके बाद 2 अप्रैल को वृद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ गई और सर्दी खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। तबीयत बिगड़ती देख दंपत्ति को भागलपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई और सैंपल लिया गया। शनिवार को दोनों वृद्धों की रिपोर्ट आई, जिसमें पति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है जबकि पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव है। इसके साथ ही जहां बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई, वहीं भागलपुर जिले से यह पहला पॉजिटिव केस पाया गया है। हालांकि मायागंज अस्पताल में अलग अलग जिले से आए 6 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती कराया गया, जिसका आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल ने कहा कि मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए गए 6 कोरोना पॉजिटिव में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, लेकिन पहले भर्ती हुए 2 मरीजों को 8 अप्रैल को छुट्टी दी जाएगी, जबकि अन्य 4 मरीजों की दोबारा रिपोर्ट निगेटिव आने एवं 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखने के बाद छुट्टी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार को मायागंज अस्पताल में केवल 1 नौगछिया के वृद्ध ही कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूर्वी किता प्राप्त गृहस्थी एवं अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्यों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह मुफ्त में दिया जाएगा। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। अप्रैल, मई एवं जून माह तक खाद्यान्न का मुफ्त आवंटन किया जाएगा, जिसमें अप्रैल एवं मई माह के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न विभाग द्वारा आवंटित कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा और योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, इसके लिए पारदर्शी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन को देखते हुए सभी SDO, VDO, आपूर्ति पदाधिकारी को कई माध्यमों से प्रचार प्रसार करवाने एवं अगले 30 जून तक प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक जन वितरण प्रणाली की दुकानों को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। देश भर में जहां कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के कारण लोग दहशत में हैं, वहीं लॉकडाउन के कारण काम धंधे के ठप होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री एवं आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला भागलपुर के बड़ी खंजरपुर का है, जहां बिना माता पिता की 3 लड़कियों के सिर पर जर्जर छत तो है, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद हो जाने के बाद खाने के लाले पड़ गए। ऐसे में एक उम्मीद की किरण तब दिखाई दी जब उन बच्चियों ने अखबार में प्रधानमंत्री कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर देखा। तीनों बहनों में सबसे बड़ी गौरी कुमारी ने PMO कार्यालय में फ़ोन कर अपनी समस्या सुनाई और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद PMO की पहल पर भागलपुर जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और तीनों बहनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया। एक ओर जहां सरकार की ओर से खाद्य सामग्री मुहैया कराया गया, वहीं वेटरन्स इंडिया के नितेश कुमार एवं आयुष इंडियन गैस एजेंसी के संचालक गुंजन प्रियदर्शी, गौरी आशा
माला एवं कुमकुम की मदद के लिए आगे आए और खाना पकाने के लिए गैस कनेक्शन दिया। साथ ही आर्थिक मदद के साथ राशन मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। क्या है तीन बहनों का दर्द और कैसे उन्होंने पीएमओ तक अपनी बात पहुंचाई, इसको लेकर गौरी एवं मदद करने के लिए आगे आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। हम मौजूद हैं भागलपुर के बड़े खंजरपुर में और यहाँ पर ये लॉकडाउन के कारण जो तीन बच्चियाँ हैं जिनके के माता पिता नहीं हैं और इसके कारण इन्हें खाने के लाले पड़ गए और हालांकि वो खुद से कुछ काम करके अपना जीवन भरण पोषण किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब से सारे काम ठप पड़े हैं उसके बाद से इनकी भूखमरी के कगार पे ये आ गए और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसके बाद एक बड़ी पहल जो इस बच्ची ने यह की, गौरी कुमारी नाम है इस बच्ची का, और इसने एक पहल की कि पीएमओ को इस बात की सूचना दी कि लॉकडाउन के कारण हम भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और हमारे पास खाने या किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पीएमओ की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पर भागलपुर के वरीय अधिकारियों से बात कर उन्हें दिशा निर्देश दिया गया। अब हम जानते हैं खुद गौरी कुमारी से कि क्या कुछ कैसे इन्होंने फ़ोन किया और क्या कुछ इन्हें सुविधा अब तक मिली है सरकार की ओर से, क्या सुविधा मिली है और क्या कैसे फोन किया? हमने पेपर से लेके नंबर कॉल किया और मदद मांगा। क्या बोला गया वहाँ? हमने कहा मेरे मम्मी पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, सब डेट कर गए हैं, खाना पीना नहीं है, काम सभी कुछ नहीं है, उनको मदद किया जाए, खाना दिया जाए। तो क्या कहा गया वहाँ? उन्होंने कहा हम अभी आ रहे हैं, बस एक घंटा के अंदर लेके खाना है और खाना दिए हम लोग को। अब तक क्या सुविधा मिली? बहुत सुविधा मिली हम लोग को, खाना मिला है, कपड़ा मिला है, सूखा राशन मिला है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, जैसे कि यहाँ बताया जाता आयुष गैस एजेंसी और वेटरन्स इंडिया की ओर से एक प्रयास किया गया जिसके कारण आज यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं और इन्हें गैस की सुविधा उपलब्ध करा गई है जिससे कि भोजन बनाने में इन्हें परेशानी नहीं। हालांकि फिलहाल जगदीशपुर के जो अंचलाधिकारी हैं उनकी ओर से, सरकार की ओर से इन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के लिए इन्हें भोजन की व्यवस्था दी गई है, लेकिन इनके पास बड़ी समस्या थी कि उसे पकाने के लिए उनके पास गैस या जलावन की सुविधा नहीं थी। इसको देखते हुए गैस एजेंसी की ओर से इन्हें गैस की सुविधा दी गई है और वेटरन्स इंडिया की ओर से यह पहल की गई जिसके बाद की गैस एजेंसी और वेटरन्स इंडिया के सहयोग से इनके आगे भी इनके सहयोग करने की बात कही जा रही है। हम यहाँ जानते हैं वेटरन्स इंडिया के उपाध्यक्ष से कि क्या इन्हें कैसे क्या पता चला। जी बताइए। जैसे ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको पता चला तीनों बच्ची जो है भूखी है, तो हमने वेटरन्स इंडिया के उपाध्यक्ष, मैं नितेश कुमार हूँ, मैंने बच्ची को सुबह सुबह कॉल किया, बाबू तुमको क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या क्या चाहिए। बच्ची बोली कि 7 दिन का हमको सीओ साहब की तरफ से राशन मिल गया है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी किस पे मैं खाना बनाऊँ ये व्यवस्था नहीं है। तो हमने वेटरन्स इंडिया के तरफ से आयुष गैस एजेंसी से संपर्क किया, इनका थैंक यू बोलूँगा, ये तुरंत रेडी हुए और बच्ची के लिए गैस सिलेंडर का इंतजाम किया। और मैं वेटरन्स इंडिया की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि राशन का जो भी कमी होगा जब तक लॉकडाउन है वेटरन्स इंडिया इनको देती रहेगी। बच्ची को मोबाइल नंबर दे दिया गया है, जब भी कॉल करेंगे हम लोग वेटरन्स इंडिया की तरफ से इनको राशन प्रोवाइड करते रहेंगे। मुझे इसकी जानकारी सुबह पेपर के द्वारा मिली और वेटरन इंडिया के आदमी जो हैं मिस्टर आर के पाठक, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, सिचुएशन है, गैस का पहुंचाना है, खाने पीने का उसको दिक्कत है। मैं तुरंत रेडी हुआ और 1 घंटे में लेके आया इनके घर पर, और बाकी जो सुविधा इसकी होगी इसको और आगे भी मुहैया कराया जाऊंगा और मैं 24 घंटा तत्पर हूं लोगों को सेवा देने के लिए। जैसे हमने देखा कि यहाँ गैस एजेंसी की ओर से भी मदद की गई है, वेटरन्स इंडिया की ओर से मदद की गई है और भी कई सामाजिक संगठन इसमें मदद करने की लगातार बात कर रहे हैं और शहर में ऐसे कई आयोजन भी किए जा रहे हैं, कई तरह से लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। सिर्फ टीवी भी अपनी ओर से हर संभव मदद करने को तैयार है और इसके लिए लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार पहल करती रहेगी। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। शुक्रवार की रात नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर के समीप हथियारबंद अपराधियों ने किसान जवाहर मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 7 लोगों पर हत्या की प्राथमिकी नाथनगर थाने में दर्ज कराई है।
रविवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके की बारीकी से जांच की। सिटी एसपी ने कहा कि किसान जवाहर मंडल हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिटी एसपी ने नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद को फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। सात नामजद हैं और अज्ञात, और थाना प्रभारी और डीएसपी से टीम के लगातार छापेमारी की गई। जो जितने भी नेम एक्यूजर घर से फरार पाए गए और हम लोग उसे गिरफ्तार करने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। बिंदु है अनुसंधान का, अनुसंधान में बारीकी से जांच की जाएगी। दोषी जो भी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे और निर्दोष जो भी होगा वो जेल नहीं जाएगा, ये हम लोग ख्याल रखेंगे। और वैसे भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि निर्दोष जेल ना जाए और दोषी है वो किसी प्रश्न में नहीं छूटेगा। लॉकडाउन को लेकर भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से सघन पूछताछ की और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। भागलपुर के स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, डिक्सन मोड़, रानी लक्ष्मीबाई चौक, आदमपुर, तिलका मांझी एवं घंटाघर चौक समेत सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों को सख्त हिदायत भी दे रही है। लॉकडाउन के कारण जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, वहीं पुलिसकर्मी एवं आवश्यक सेवा से जुड़े लोग ही सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं शहर के प्रमुख सब्जी मंडियों में लोगों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने एवं शवों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कई थानों की पुलिस को लगाया गया है। सब्जी खरीदने के दौरान क्रेता और विक्रेता द्वारा भीड़ एकत्रित करने की खबर आने के बाद प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को सब्जी बाजार के समीप निगरानी करने का आदेश जारी किया है, जिससे किसी भी स्थिति में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए भागलपुर पुलिस काफ़ी सतर्क दिख रही है। इसको लेकर पुलिस कप्तान आशीष भारती के निर्देश पर पुलिस लाइन कैंपस में स्थित प्राथमिक विद्यालय को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। स्कूल को सैनिटाइज कर 30 बेड लगाए गए हैं, साथ ही रहने और भोजन संबंधी सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है। इधर कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए पुलिस पदाधिकारी और जवान दिन रात सड़कों पर गश्ती करते देखे जा रहे हैं। गश्ती दल में शामिल अधिकारी लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं आइसोलेशन सेंटर को लेकर एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि अस्पताल ड्यूटी, छुट्टी या बीमार पुलिस वालों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन के लिए पुलिस लाइन स्कूल में रखा जाएगा। एसएसपी ने कहा कि मेडिकल ड्यूटी एवं कैदी वार्ड से लौटे पुलिस कर्मियों को सीधे बैरक नहीं भेजा जाएगा। कोरोना वायरस के जो महामारी जो फैल रही है उसको रोकने के लिए पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है और कार्रवाई कर रही है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं वो भी कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे रहें। इसके लिए करीब 3000 जो मास्क है वो पुलिस कर्मियों को और पुलिस पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। उसमें मुख्यतः जो जेल से हम लोगों ने मास्क खरीदा था, साथ में दैनिक भास्कर और अन्य कुछ जो लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया था उसको भी हम लोगों ने बांटा है। इसके अतिरिक्त करीब 200 लीटर सैनिटाइज़र यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और एक मशीन खरीदी गई है जो कि जो डिसइन्फेक्शन करने के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस प्रतिष्ठानों में भी इस कार्य कर रही है। अलग अलग बैरक में, अलग अलग ऑफिसर्स में जा करके वो डेली यह कार्य करती है। तो सभी जो पुलिस प्रतिष्ठान हैं, चाहे पुलिस केंद्र है, पुलिस कार्यालय हैं या पुलिस थाने हैं पूरे ज़िले के, वहाँ पे यह कार्य चलाया जा रहा है। हम लोग ग्लव्स भी उनको जो खास करके जो QMRT जो क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम में जो हमारे पुलिस बल हैं और जो आइसोलेशन सेंटर जो मायागंज में है वहाँ पे जो हमारे पुलिस पदाधिकारी और बल हैं उनको भी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रयास यह चल रहा है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए और हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। पुलिस लाइन में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें वैसे पुलिसकर्मी जो कि कहीं पे छुट्टी से लौटे हैं तो उनको उसमें रखा जाएगा, या अगर किसी को सिम्टम्स जैसा उसमें लगेगा तो या तो अस्पताल में या यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा।
कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाव को लेकर इन दिनों शहर में कई सामाजिक संगठन के लोग एवं युवा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर भागलपुर वी केयर संस्था के युवाओं ने शहर को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। पिछले 10 दिनों से संस्था के अध्यक्ष नितेश चौबे के नेतृत्व में कई युवा एवं छात्र अलग अलग मोहल्ले में जाकर अपने स्तर से घरों के साथ गली एवं अपार्टमेंट में मशीन द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। रविवार को वी केयर की टीम ने ज्योति विहार कॉलोनी सेल टैक्स ऑफिस के समीप एवं विभिन्न जगहों पर जाकर मुख्य द्वार, ग्रिल, लिफ्ट, गाड़ियां समेत कई जगहों को सैनिटाइज किया। इससे पूर्व इन युवाओं ने बरारी, मंदरोजा, मुंदीचक, बूढ़ानाथ, खंजरपुर, मिर्जानहाट, फीकनपुर समेत कई जगहों पर सैनिटाइज करने के साथ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया। नितेश चौबे ने कहा कि वी केयर संस्था के अधिकतर सदस्य छात्र है जो छुट्टियों के समय घर आने पर रक्तदान समेत कई प्रकार से सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए संस्था के सभी सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसे जगहों को सैनिटाइज कर रही है जहां सैनिटाइज नहीं हुआ है। रवि वशाक ने कहा कि संस्था के सदस्य अपने स्तर से सैनिटाइज कर रहे हैं और सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। इस मौके पर मनीष, कीर्ति पूजन, अंकुर, गौतम समेत कई सदस्य मौजूद थे। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हमारी संस्था वी केयर के द्वारा पिछले 10 दिनों से लगातार हर वार्ड में जा जाकर सैनिटाइजिंग की जा रही है। हम लोग 10 के लगभग युवक रोज़ निकल रहे हैं सुबह 9 बजे के आसपास और हर वार्ड में जा जाकर सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हम सभी युवक भागलपुर से बाहर ही रहते हैं लगभग, अभी सारे छुट्टी में आए हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। हम लोग लगातार पहले भी हम लोग सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और तो कोरोना में सैनिटाइजिंग का काम हम लोगों ने शुरू किया है। शहरवासियों से कि आप लोग घर पे बने रहें, जैसे आपके सेफ्टी के लिए हम लोग बाहर निकल के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं हर एक गली, हर एक मोहल्ला। भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा संगठन वी केयर सैनिटाइजेशन कर रहा है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे बने रहिए और घर पे ही रहे, उसके बाहर कहीं नहीं निकल और हमारा सहयोग करें। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया को सैनिटाइजेशन करवाना है तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम आपके एरिया को आके सैनिटाइज करेंगे। देश में जारी लॉकडाउन के बाद आपके घरों की रसोई का चूल्हा ना बुझे, इसको लेकर गैस एजेंसियां लगातार ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा दे रही है। भागलपुर में भी गैस एजेंसी के संचालक और कर्मचारी सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए अपने अपने ग्राहकों के घरों तक काफ़ी मशक्कत के साथ गैस पहुंचा रहे हैं। रविवार को घंटाघर स्थित एक गैस एजेंसी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रबंधक और कर्मियों ने लोगों को अपनी सेवाएं दी। प्रबंधक नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर हमारे वेंडर और कर्मी घर घर जाकर गैस पहुंचा रहे हैं। गैस एजेंसी के कर्मियों ने बताया कि 24 घंटे बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और 48 घंटे के भीतर होम डिलीवरी कर दिया जाता है। सभी ग्राहकों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, विपदा की इस घड़ी में सरकार के साथ रहें, अपने भारतवर्ष के साथ रहें। हम लोग उनको 100% होम डिलीवरी दिलाएंगे, वो अपने घर से ही मोबाइल के माध्यम से फोन से बुकिंग करें। अगर उनको किसी भी असुविधा का सामना करना पड़ता है वो फोन से ही हमारे कार्यालय में सूचित करें, हम उनके कष्ट का निवारण करने का भरपूर कोशिश करेंगे। लॉकडाउन के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। एक तरफ जहां गरीबों का रोजगार छिन गया है, वहीं दूसरी तरफ असहाय लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में भागलपुर वासियों की जिंदादिली भी सामने आ रही है। रविवार को ततारपुर की रहने वाली एक शिक्षिका ने अपने पेंशन की राशि से जरूरतमंद लोगों की मदद की। राहत सामग्री बांटने में ततारपुर थाना के सब इंस्पेक्टर मनी पासवान, मोहम्मद कमाल और राजीव रंजन समेत कई पुलिसकर्मी और समाज सेवियों ने सेवानिवृत्त शिक्षिका का भरपूर सहयोग किया। इसके पूर्व कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद अख्तर हुसैन और उसके बच्चों ने राहत पैकेट तैयार किया और फिर सभी के सहयोग से सूखा राशन जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया। आज जो हम लोगों से हो चुका है, ये पेंशन का पैसा था, पेंशन जो आता है उसी से हर माह जब तक लॉकडाउन रहेगा
तब बांटते रहेंगे चूड़ा, चावल, चीनी, आलू और आटा। 50 पैकेट बांटा है। और मेरा अपील है लोगों से, हर लोगों से अपील है कि जो सक्षम है इसी तरह लोगों की मदद करें। वहीं बरेपुरा मुस्लिम एसोसिएशन की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की गई। जरूरतमंद लोगों को एसोसिएशन के सचिव शमीम मलिक, युवा जदयू के जिला अध्यक्ष नूर हसन फरीदी, प्रवक्ता डब्लू वहीदी समेत कई युवा समाज सेवियों ने गरीबों के बीच खाद्य सामग्री बांटी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने की अपील की। इधर जवारीपुर में भी सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से समाज के असहाय और दिव्यांग लोगों के बीच राहत पैकेट बांटा गया। समाज सेवी मुकेश पासवान, दीपक मंडल, मनोहर पासवान और सुंदरलाल हजारी समेत कई लोगों ने समाज के निर्धन लोगों की मदद करते हुए आम लोगों से महासंकट से निपटने और देश के नागरिकों को भूख से बचाने के लिए आगे आने की अपील की। वहीं विक्रमशिला पिंक क्लब की ओर से खरीवान पंचायत के मुखेरिया गांव में ग्रामीणों के बीच सूखा अनाज बांटा गया। मौके पर क्लब से जुड़े लोगों ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का उपाय भी बताया और एक दूसरे के साथ दूरी बनाकर रहने की सलाह दी। रोटरी विक्रमशिला पिंक की पूर्व अध्यक्षा चंदना चौधरी ने कहा कि कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब लोग प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करेंगे।